नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वेल्स फायर वर्सेस साउथहैम्पटन ब्रेव का जो 22वां मैच है, इसकी टीम की प्रिडिक्शन, मैच का प्रिडिक्शन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल दी है बनाकर। आप लोग सबसे पहले आप लोग उसको जाकर देख लो, वो जरूरी है देखना। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। और अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों को टीम का रोटेशन किस तरीके से तैयार किया जाए, किस तरीके से टीम का हमारा रोटेशन होगा ताकि हमारी टीम जो है अच्छे से अच्छे रैंक पे आ सके। दोस्तों ये देखिए, ये पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड द 100 के अंदर ये ट्रेंड चल रही है, जिसमें कि ये विकेट कीपर है, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर जो कि कितने टाइम आया है। तो देखिए जो ये सेकेंड नंबर पैटर्न है, ये 6 बार आया है, ठीक है, और तीन बार आया है पैटर्न नंबर 4, और 7वां पैटर्न जो है वो 3 बार आया है, ठीक है। दूसरा पैटर्न जो है ये 5 नंबर का जो पैटर्न है मेरे दोस्त, ये आया है 2 बार, ठीक है, 2 बार पैटर्न नंबर 3 भी आया है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो पैटर्न है ना वो चलता है। दोस्तों पता है क्या होता है, पैटर्न से हमें बेसिकली ये पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से खिलाड़ी को कहाँ कहाँ से पिक करना है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है ये वाला, यानी कि पैटर्न नंबर 2, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद अभी ये जो 7 नंबर पैटर्न है मेरे फ्रेंड्स, ये भी अब ट्रेंड में मेरे ख्याल से आना शुरू हो गया है, ये तो ट्रेंड में है ही। तो बेसिकली अभी हम बनाएंगे किसके, जो जिसका ट्रेंड कम है उस पर अभी फोकस करते हैं। जैसे पैटर्न नंबर 5 हो गया, पैटर्न नंबर 6 हो गया, इन पे भी हमें फोकस करना है। आप लोग चाहो तो इन तरीके से दो दो तीन तरीके तैयार कर लो, यकीन मानो इसी तरीके से पैटर्न अभी आने वाले हैं। अभी एक दो और नए पैटर्न हैं जो कि अभी बाहर निकलेंगे, बट अब मैच भी कम है और सबसे ज़्यादा जो पैटर्न है इस तरीके से देखने को मिला है। तो दोस्तों आते हैं हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे और हम टीम की रोटेशन तैयार करते हैं। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये टीम मैंने जब आप लोगों को वीडियो बनाई थी तो ये टीम इस तरीके से मैंने तैयार करके आप लोगों को दिया था। इसमें हमने रखा है, मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कि यहाँ पे मैंने 2 प्लेयर को रखा है विकेट कीपर सेक्शन से, यानी कि 2, 4, 2, 3। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि ये जो पैटर्न है, क्या ये पैटर्न अभी कितनी बार आया है या नहीं आया है। 2, 4, 2, 3, देखिए 2, 4, 2, 3 अभी तक ये पैटर्न मेरे दोस्त नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम क्रिएट हुई है तो ये पैटर्न बाहर निकला है। इसमें मैंने इसलिए देखा था क्योंकि क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था पिछले कई मैचों से, तो उम्मीद है कि आज के मैच में ये अच्छा परफॉर्म करके देंगे। डेविस भी अच्छा परफॉर्म दे करके देना चाहिए। डेविड मिलर का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नज़र नहीं आया है। जोए क्लार्क का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नज़र नहीं आया है। बेन डकेट अच्छा परफॉर्म करते हैं इस टीम के खिलाफ। रोस, ये आर वाइटली जो हैं, इनका भी परफॉर्मेंस इस टीम के ओपोनेंट मतलब कि वेल्स फायर के खिलाफ ये बहुत अच्छा खेलते हैं। गार्टन भी जो हैं, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं और इनको पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला, तो उम्मीद है कि इस मैच में इनको कोई विकेट मिलेगा। जे कॉब एक तरीके से रोटेटिंग प्लेयर हैं तो इनको रखा है, फिलहाल हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। डेविन डी पाइने इस ग्राउंड के और इस पिच के ऊपर इनको सबसे ज़्यादा विकेट मिलते हैं तो इसलिए इनको रखा गया है। जी क्रिमशॉ को रखने के पीछे रीजन ये है कि ये इस ग्राउंड के ऊपर हर मैच में तकरीबन 1 या 2 विकेट लेकर जाते हैं। और सी यू वर्टन को भी मैंने रखा है, पता नहीं ये लोग खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी ये डाउट है, बट फिर भी मैं इनको टीम में शामिल कर रहा हूँ कि क्या पता हो सकता है कि आज के मैच में इन्हें, इन दोनों को शामिल किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो आप लोग इनके जगह पे जो होंगे उनको आप लोग रोटेट करना मेरे दोस्तों। तो आइए अब हम अगला जो टीम है इस तरीके से तैयार करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, हमने ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं, ये तो सेव था। देखिए यहाँ से हम कॉपी किए एक टीम, ठीक है मेरे फ्रेंड, ये कॉपी करके अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि छेड़ना कहाँ से है, यानी कि हर जगह से नहीं छेड़ना है, आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को छेड़ सकते हो। यानी कि अगर हम आएँ तो सबसे पहले विकेट कीपर को हम ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, ऑलराउंडर का ऐसे ही छोड़ते हैं और बॉलर को भी ऐसे ही छोड़ते हैं। रीजन क्या है मेरे दोस्त, हमें कोशिश करना है कि हमारे ड्रीम इलेवन में 11 प्लेयर शामिल हो जाएं, ठीक है, हमें 11 प्लेयर चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये तीनों हमारे ड्रीम टीम के हिस्सा हो गए, ये दोनों हमारे ड्रीम टीम के हिस्सा हो गए, ये दोनों हमारे ड्रीम टीम के हिस्सा हो गए और इसमें से हमारे 3 ड्रीम टीम के हिस्सा नहीं हुए। दोस्तों ये तो हो सकता है ना, तो हमारी टीम रैंक अच्छी
नहीं लेके आएगी। इसलिए अभी सबसे पहले हम यहां से चेंज करते हैं, सबसे पहले हम बैट्समैन से चेंज करते हैं, इन लोगों को रोटेट करते हैं। तो देखिए कैसे रोटेट करते हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोटेट किया जाए। देखिए अब मैंने यहाँ पे जो है कि दो विकेट कीपर रखा, यानी कि स्टार्टिंग में टॉप ऑर्डर जेम्स विंस को हटाते हैं, एलेक्स डेविस को मैंने रखा हुआ है कि जेम्स विंस हो सकता है आज के मैच में फ्लॉप हो जाए, इसलिए मैंने जेम्स विंस को हटा दिया, रॉस वाइटली को रखा है। अब हम देखते हैं सेकेंड इनिंग में मेरे दोस्त क्या हो सकता है। सेकेंड इनिंग में बैंटन और जोय क्लार्क आएंगे ओपनिंग करने, और गार्टन और ये जो दोनों बॉलर हैं ये हो सकता है ओपनिंग में बॉलिंग करने आए, ठीक है। तो अगर ये जोय टाइम बॉन्टन को यहाँ से मतलब कि आउट कर देते हैं तो जोय क्लार्क बचते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से मेरे दोस्त कि जोय क्लार्क को हटा देते हैं। जोय क्लार्क को हटाने के बाद हम यहाँ पे किसको रखें, हम यहाँ पे एस हैंड को रखते हैं, और ये देखिए इस तरीके से हमने एस हैंड को रख दिया, यानी कि ये ऊपर के सेम है, ये तीनों नीचे के सेम है, ये दोनों ऑलराउंडर सेक्शन पे सेम है। यहाँ से हमने एस हैंड को सिर्फ जोय क्लार्क के जगह पे एस हैंड को रखा, और अब क्या करते हैं कि डेविड मिलर के जगह पे हम टिम डेविड को रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए अगर इस तरीके से रखते हैं तो क्या आपकी टीम सही होगी, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर हम दो दो प्लेयर मेरे दोस्त तब चेंज करेंगे जब हमें टीम कम बनानी होगी, ठीक है। जब हमें टीम ज़्यादा बनानी है, मान लीजिए कि 20 टीम हमें क्रिएट करना है, तो 20 टीम क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, एक एक प्लेयर को चेंज करने के। मैंने क्या कर दिया कि सेम चीज़ रखा, यहाँ पे हमने सिर्फ एस हैंड को रखा। लेकिन अगर आपको प्लेयर रखना है तो ये देख के मेरे दोस्त रखना होगा कि प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या वो बंदा, क्या वो प्लेयर कितने डाउन पे आ रहा है और किस तरीके से उसका हमें यूज़ करना है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने यहाँ पे एस हैंड को रखा और सेम जाकर जो यहाँ से डेविड मिलर जो थे, डेविड मिलर को भी मैंने रख दिया। यहाँ से मैंने सिर्फ किसको हटा दिया, टीम डेविड को जो रखा था मैंने हटा दिया, यानी कि कुछ नहीं चेंज किया है, सिर्फ एस हैंड को चेंज किया है, बाकी सब सेम है, और मैंने कंटिन्यू किया और टीम को सेव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस तरीके से, अब हम करते हैं क्या कि बेन डकेट को हटाते हैं, डेविड मिलर को रखते हैं, जोई क्लार्क को रखते हैं, और यहाँ से जेम्स विंस को रखते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है जेम्स विंस भी ड्रीम टीम के हिस्सा बन जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जोई क्लार्क, डेविड मिलर, आर वाइटली और जेम्स विंस को हमने कवर कर दिया। अब हम कंटिन्यू करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी टीम। अब मेरे दोस्त क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जेम्स विंस को रखना है, जोई क्लार्क को हटा के बेन डकेट को रखना है, डेविड मिलर को हटा के डेविड मिलर को छोड़ देते हैं, डेविड मिलर को हो सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करके दें, इस वजह से मैंने डेविड मिलर को रखा है, क्योंकि वेल्स फायर की बैटिंग लाइनअप बहुत कमजोर है तो विकेट गिरने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं इनके, ठीक है। और यहाँ से आर वाइटली अगर टीम डेविड से पहले आते हैं खेलने के लिए तो हम आर वाइटली को रखेंगे, नहीं तो टीम डेविड को रखेंगे। यहाँ पे मैंने आर वाइटली को इसलिए रखा है क्योंकि ये टीम डेविड से पहले आएंगे। टीम डेविड का जो ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर है, वो है तकरीबन आप मानकर चलो तो छठे डाउन के आसपास। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऊपर से दो प्लेयर्स को रखा है मेरे दोस्त, दो प्लेयर्स को रखा है मतलब कि अच्छी बैटिंग करेंगे, तो इनके टीम डेविड के खेलने के जो चांसेज है ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको यहाँ पर जगह नहीं दिया है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ से सेव कर देते हैं। ये मैं कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे दोस्त बिल्कुल सेम रखा है ताकि आप लोग बाद में इसको चेंज कर सको। ये मैं इस तरीके से रख रहा हूँ कि हम मतलब किस तरीके से प्लेयर को रोटेट करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ से ये सारे देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिर्फ हमने बैट्समैन में चेंज किया है, ठीक है। अब आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर देखिए क्या है कि ये चेंज हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसमें चेंज नहीं करेंगे मेरे दोस्त, हम बैक आते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये कॉपी हो गया, अब हम पहले नंबर पे आते हैं, ठीक है। पहले नंबर में से पहले नंबर को कॉपी करते हैं, उस टीम को कॉपी करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में जाते हैं। कौन कौन है, जी गार्टन है और इतने सारे लोग हैं, तो हम क्या करते हैं कि गार्टन को रखते हैं जी कॉप के जगह पे, एक मैच में प्रिटोरियस को रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए गार्टन और प्रिटोरियस, कंटिन्यू सेव,
दोस्तों कुछ नहीं करना है, एक एक प्लेयर को चेंज करते जाना है, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में आए, गार्टन आपको पता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे, तो इनको डिफॉल्ट पिक में रखिए, ठीक है। यहां से प्रिटोरियस को हटाइए और क्रेचली को रख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यू एंड सेव। देखिए दोस्तों इस तरीके से टीम आपकी तैयार होती जा रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसी टीम को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस टीम को कॉपी नहीं करेंगे, बैक आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, चार टीम पहले बना रखा था, पांचवें टीम में हमने क्या किया, प्रिटोरियस और गार्डन को रखा, ठीक है। छठे टीम में हमने क्या किया, सेम टीम थी इसके अंदर ये चेंज कर दिया, ओके। अब हम फिर आते हैं टीम नंबर टू। टीम नंबर टू में हमने दोस्तों बैट्समैन को चेंज कर रखा है, ठीक है। ये देखिए बैट्समैन को चेंज कर रखा है, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से फिर जेकॉब को हटाएंगे और यहां से हम रख देंगे जे फुलर को, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। जे फुलर को रख दिया, गार्टन है, ओवरटन है, और इस तरीके से टीम को हमने कंटिन्यू किया और सेव कर दिया, ठीक है। फिर हम आते हैं तीन नंबर टीम में, तीन नंबर टीम के अंदर आते हैं और इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से हमें चेंज करना है ना, ठीक है। जे कॉप को हटा के ये और गार्टन को हटा के जे फुलर, ये देखिए इस तरीके से, हो सकता है गार्टन फेल हो जाए हमारे, तो इसलिए जे फुलर और एम क्रैशली को रख दिया, कंटिन्यू एंड सेव, ठीक है। ये हो गए आठ नंबर। नौ नंबर में हम आते हैं और इस तरीके से चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पे एम क्रैशली को हटा जे फुलर और डी प्रिटोरियस, ये देखिए इस तरीके से चेंज कर दिया। देखिए प्लेयर हमारे हर प्लेयर कंटिन्यू सेव टीम, ठीक है। अब हमारे पास टोटल नौ टीम हो गए। अब देखिए पांच नंबर टीम आप देख रहे हैं ये, छह नंबर टीम यही हुआ, सात नंबर टीम, ठीक है। ये देखिए चेंज होते जा रहे हैं, हर देख रहे हैं ये इस तरीके से चेंज होते जाएंगे। नौ नंबर टीम में हमारा ये है, ठीक है। चार नंबर टीम हमारा क्या है, क्या है इसके अंदर ये लोग हैं, ठीक है। बेन डकेट, आर वाइटली, डेविड मिलर, ये वाली टीम है चार नंबर। और नौ नंबर कौन सी टीम है, डेविड मिलर, जोए क्लार्क की, ठीक है, जोए क्लार्क चार नंबर टीम, इसमें बेन डकेट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चार नंबर टीम को उठाते हैं। चार नंबर टीम में हमारे जेकॉब, जे गार्टन है, और चार नंबर टीम से हम ये कॉपी किए चार नंबर टीम, और इसके अंदर से हमने क्या किया, गार्टन को हटा के क्रैश, इसको गार्टन को हटा के यहाँ पे स्टोइनिस को और यहाँ पे क्रैशली को इस तरीके से हमने जगह दे दी, ठीक है। ये दोस्तों जो है ना पैटर्न को आप एक पैटर्न लेकर चलो और इस पैटर्न पे अगर आप 10 मैच खेलते हो और इस तरीके से रोटेट करते हो तो मेरे दोस्त 10 मैच को आपका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 4 से 5 मैच में ही आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देकर चली जाएगी। यहाँ पे हमने सेव कर दिया, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब देखिए हमारे पास टोटल 10 टीम हो गए। हमने क्या किया, ये देखिए हमने क्या किया, क्या है, हमने ये चेंज किया। अब हम करते हैं क्या, अब आते हैं टीम नंबर वन, फिर से वापस टीम नंबर वन। इसके अंदर से हम लोग बॉलिंग से चेंज करते हैं, डेविड पाइने को रख देते हैं, यहां से हम उठाते हैं एडम जंपा और जेक लिंटॉट इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। एडम जंपा को भी हटा देते हैं और यहां से एम होगन को रखते हैं क्योंकि इनके साइड से बॉलर कम थे, डेविड पाइने को कैप्टन बनाया है तो जाहिर सी बात है कि ये विकेट ज्यादा लेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू सेव। फिर हम गए टीम नंबर टू। टीम नंबर टू से हमने क्या किया, यहां से सी वर्टन को रख दिया और यहां से क्रिमशा को हटा के जो खेलेंगे जेक बॉल, जेक बॉल को हमने यहां से रख दिया और ये चेंज कर दिया, यहां से कंटिन्यू एंड सेव, ठीक है। फिर टीम नंबर तीन में गए और यहां से हमने क्या किया, ये देखिए यहां से क्रिमशा को रख दिया, ओवरटन को हटा के और यहां से एम होगन को रख दिया, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू एंड सेव, ठीक है। अब हम आते हैं तीन नंबर टीम में, हो गया चार नंबर टीम। चार नंबर टीम में फिर आते हैं, यहां से फिर हम बॉलर को चेंज करते हैं, यहां से सी ओवरटन और इन दोनों को हटाते हैं इनको, और यहां से एडम जंपा, ये देखिए, ठीक है, कंटिन्यू एंड सेव। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इस तरीके से आपकी टीम तैयार हुई पड़ी है, ठीक है, ये देखिए।
अब हर में आपके प्लेयर चेंज है और कोई ना कोई मेरे दोस्त टीम आपकी अच्छी रैंक पे चली जाएगी, ये पक्का आप सोच लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं सात नंबर टीम के अंदर। सात नंबर टीम के अंदर अब क्या करते हैं दोस्तों, इनके अंदर देखिए क्या क्या है। अब हमें ये देखना है कि हमारा बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है। सात नंबर टीम में नहीं आते हैं हम, आते हैं छह नंबर टीम में, जो जिसमें जेम्स विंस हैं। हाँ देखिए, ये जो टीम है ना, इसके अंदर जैसे कि आपने क्या किया, डेविड मिलर को रखा, जेम्स विंस को रखा, क्विंटन डी कॉक है, डेविस हैं, जे क्लार्क है, आर वाइटली हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से छह नंबर टीम ये थी, सात नंबर टीम ये है, आठ नंबर टीम ये है। अब हम आते हैं आठ नंबर टीम छोड़िए, अब ठीक है चौदह टीम। अब हमें छह टीम दूसरे पैटर्न से बैकअप टीम तैयार करना है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है ना कि क्विंटन डीकॉक चले, एलेक्स वेस नहीं चले, टॉम बेंटन चले। ठीक है, तो टॉम बेंटन को मैंने रखा यहाँ पे, यहाँ पे ये सेम के सेम है, इनको रख दिया। ठीक है, और यहां से उठाया और कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दिया, यहां से मैंने जी गार्टन को कैप्टन और यहां से बेन डकेट नहीं, जोए क्लार्क मान लीजिए, जोए क्लार्क को मैंने यहां से वाइस कैप्टन रख दिया इस तरीके से। ठीक है, आपकी टीम नंबर 15 इस तरीके से तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपके जो बॉलर वाला सेक्शन है उसके अंदर जाना है। ठीक है, ये जो प्लेयर्स हैं इसमें से चेंज हुआ है। हाँ, अब आप आते हैं यहां पे, दो नंबर टीम कौन सी थी, ठीक है, तीन नंबर टीम, पंद्रह नंबर टीम ये थी, इसके अंदर हमने चेंज किया। पहले नंबर टीम में हमने चेंज किया था। ठीक है, ओके, दूसरी नंबर टीम हमारी हेन वाली है, इसके अंदर हमने नहीं रखा था, तो इसके अंदर दोस्तों इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर डिवाइस को हटा के क्विंटन डीकॉक को सिर्फ रखते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, बैटिंग सेक्शन से एस हैन को हटाते हैं, यहाँ से बेन डकेट को रखते हैं, डेविड मिलर को रखते हैं, आर वाइटली को हटा के जेम्स विंस को रखते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि मेरे पास दो और हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि मार्कस स्टोइनिस और प्रिटोरियस, ये देखिए इस तरीके से हमने एक टीम क्रिएट कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू, और यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से हम इन लोगों को बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन। गार्टन को कैप्टन बना दिया और प्रिटोरियस को वाइस कैप्टन बना दिया और टीम को हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारी टीम देखिए 16 नंबर टीम हमारी इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब 16 नंबर टीम के बाद 17 नंबर जो टीम है इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्त, ये देखिए इसके अंदर हम अब यहाँ से बेन डकेट को हटाते हैं, जोए क्लार्क को रखते हैं, डेविड मिलर को हटा के आर वाइटली को रखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से जे कॉब को हटाते हैं और यहाँ पे क्रिशली को रखते हैं, ये देखिए, ये हो गया, कंटिन्यू एंड सेव। कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी जो आपको अच्छा लगे आप वो चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये टीम मेरे दोस्त बैकअप टीम हो जाएगी। ठीक है, अब आप आते हैं यहाँ से डी प्रिटोरियस को हटाते हैं, इनका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है, क्रैचली को हटाते हैं, स्टोइनिस को हटाते हैं, गार्टन को रखते हैं, गार्टन को सिर्फ रखते हैं और बॉलिंग सेक्शन से आते हैं। ठीक है, और जेक बॉल, होगन और लिंटॉट, ये देखिए इस तरीके से एक टीम हमने तैयार कर दिया। ठीक है, हमने इस तरीके से तैयार इसलिए किया है दोस्तों कि इनकी विकेट भी अच्छी खासी गिरेगी। ठीक है, और यहाँ से जोए क्लार्क शिफ्ट करेंगे और ये सारे के सारे बॉलर हमने रख दिए, कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जोए क्लार्क को वाइस कैप्टन और जेम्स विंस को कैप्टन। आप यहाँ पे क्विंटन डीकॉक को भी इस तरीके से आपने एक टीम तैयार कर दिया छह बॉलर का। ठीक है, ये देखिए ये एक टीम तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बैट्समैन की टीम तैयार करनी है, 19 नंबर। अब आप बैट्समैन की टीम तैयार करेंगे, यहाँ से हटाइए जेक बॉल को, हटाते हैं हम यहाँ से, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर हैं उनको हम रखते हैं। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में आते हैं हम, इन सब को रखते हैं, बेन डकेट, टीम डेविड और डेविड मिलर, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर हमने कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, हमने इस टीम को कर दिया सेव। फिर 20 नंबर, ये 20 नंबर के अंदर आते हैं और इसके अंदर से हम ऊपर वाला सेम रखते हैं और नीचे वाला, यानी कि जेक, इन तीनों को, डेविड पाइने को रखूँ मैं, होगन को हटा के आप यहाँ पे किसको रखोगे, इनको रख लो, इनका सिलेक्शन परसेंट कम है, यहाँ से
और यहाँ से आप एडम जंपा को रख लो, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक टीम तैयार हो गई। तो आप इस तरीके से मेरे दोस्त, आप ये जो फॉर्मेट है, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग अपना एक अलग टीम तैयार कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर पैटर्न को आप किसी एक पैटर्न को पकड़ो। अगर ग्रैंड लीग जीतना है ना मेरे दोस्त, तो आप लोगों को पैटर्न को पकड़ के, पैटर्न को फॉलो करके और उसी के आधारित आपको टीम तैयार करनी है। क्योंकि जिस दिन आपका पैटर्न चलेगा ना मेरे फ्रेंड्स, वो दिन कम्प्लीटली आपका होगा। सोचो आपकी सारी की सारी टीमें ग्रैंड लीग में टॉप 10 के रैंक के अंदर आ जाएंगी, टॉप 100 रैंक के अंदर आ जाएगी। मेरी कोशिश यही है। इसलिए ग्रैंड लीग जीतने के लिए ना मेरे दोस्त, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, किस्मत चले ना चले, लेकिन आपका स्किल जरूर काम करेगा और आपकी स्किल और आपकी मेहनत से आप अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे अपनी टीम को। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप टीम का चेंजेस कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक और टीम चेंज करके लेके आऊँगा पैटर्न के ऊपर, कि हर पैटर्न पे तीन तीन चार चार आप टीम तैयार कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने रख दिया कैप्टन, वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक, और यहाँ पे हमने रख दिया बेन डकेट को कैप्टन, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। या ऊपर से, ऊपर के सारे चल रहे हैं तो नीचे को रखिए। डेविड पेने को हमने कैप्टन बना दिया और इनको वाइस कैप्टन बना दिया, ठीक है। मतलब सिलेक्शन परसेंट, कैप्टन का सिलेक्शन परसेंट कम कोशिश करना है। जब आप बड़े बड़े प्लेयर्स को रख रहे हो ना, जब आप बड़े बड़े प्लेयर्स को मेरे दोस्त रख रहे हो, जैसे जेम्स विंस को आपने रख दिया, क्विंटन डिकॉक को रख दिया, ठीक है, टीम डेविड को रख दिया, डेविड मिलर को रखा है, बेन डकेट को रखा है, जोई क्लार्क को रखा है, आर वाइटली को रखा है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो बॉलर है ना, वो लोग मतलब कि लो जिनका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम होता है ना, ऐसे बॉलर काम कर जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये एक नया प्लेयर है मोरेरिटी, इनको हमने वाइस कैप्टन बना दिया, डेविड पाइने को कैप्टन बना दिया। तो ये टीम अपने आप जिस दिन चलेगी, मतलब हर टीम का एक अलग पैटर्न होता है और आपको दोस्त पैटर्न पे काम करना है। सिर्फ आप एक पैटर्न लेकर चलो मेरे फ्रेंड, और उस पैटर्न पे आप कभी भी टीम तैयार करोगे। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो पैटर्न है ना, आप सिर्फ एक पैटर्न रखो, आप चुन लो कि ये पैटर्न सबसे ज़्यादा चलता है तो इस पैटर्न को आप रखोगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त कि आप 20 दिन मतलब 20 टीम लगा रहे हो और 10 दिन लगा रहे हो तो रोज़ आपको उतना पैसा हारना पड़ जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो हार भी जाते हो, तो दोस्त जिस दिन आपका पैटर्न काम करेगा उस दिन क्या होगा, आप सोच रहे हो इस बात को कि उस दिन क्या होगा। उस दिन सिर्फ आपका पैटर्न काम करेगा मेरे फ्रेंड्स, सिर्फ आपका पैटर्न काम करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पैटर्न के ऊपर हमें फोकस करना है और पैटर्न के ऊपर हमें चल के और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन टीम तैयार करनी है। तो दोस्तों ये मेरा एक सैंपल है, सैंपल टीम है, मतलब कि कम्प्लीटली ये मेरा मैच के अकॉर्डिंग टीम नहीं है। मैच के अकॉर्डिंग टीम मेरी तैयार होगी जब ये कम्प्लीटली टॉस हो जाएगा, उसके बाद मैं टीम तैयार करूंगा और उसके बाद सोचूंगा कि उसमें मैं से किस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट करने हैं। फिलहाल ये टीम मैंने इस तरीके से तैयार करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये रोटेशन समझ में आया और अच्छा लगा तो आप कमेंट करना, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे फ्रेंड्स, ये एक सैंपल है सिर्फ और सिर्फ आपको एक पैटर्न पे टीम तैयार करने के लिए। मैं आपको बाकी आपको कम से कम पाँच पाँच पैटर्न पे, मतलब एक एक पांच टीम आपको एक पैटर्न पे, इस तरीके से अगर आप देखो तो 20 टीम तैयार कर रहे हो, तो दोस्तों चार टीम आप चार पैटर्न कवर करोगे। तो चार पैटर्न कवर करना है अगर, तो उसके अंदर किस तरीके से प्लेयर को रोटेट करेंगे, मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।